और देखिए रूस यूक्रेन युद्ध का 25वां दिन आज है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में अब रूस नजर आ रहा है। पुतिन के वॉर सेंटर में जी हिंदुस्तान पहुंच चुका है। पुतिन के प्लानिंग सेंटर से पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुतिन के दिमाग की मैपिंग हो गई। पुतिन के प्लानिंग सेंटर का पता चला। आसमान से शोले बरसाती मिसाइलें, आग उगलते रूस टैंक और खंडहर बनते यूक्रेन के शहर। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन में भयानक बारूदी कोहराम मचा रखा है। तबाही की इन तस्वीरों को दुनिया एक बड़े महायुद्ध के तौर पर देख रही है। क्या पुतिन के दिमाग में यूक्रेन के अलावा कुछ और प्लानिंग चल रही है? क्योंकि जंग के मैदान से जो खबरें आ रही है वो बड़े खतरे का सायरन बजा रही है। जहां पर पुतिन के बम वहां पर हम। जी हिंदुस्तान पहला ऐसा चैनल है जो आपको लेकर आया है रूस की राजधानी मॉस्को में। पुतिन का प्लान परमाणु डिकोड। पुतिन के माइंड में क्या चल रहा है? पुतिन का अगला प्लान क्या है? रूस के कमांड सेंटर में किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? जी हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो पुतिन के कमांड सेंटर तक पहुंचा है। कीव के आसपास जिस तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्या स्ट्रैटेजीज है? क्योंकि रूस बहुत कैलकुलेटिव वे के अंदर लगातार अपने काम, अपने मेजर्स को ले रहा है। हम ये सोच रहे थे कि रूस अगर रुका है तो क्या रूस की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्या कुछ फेलियर? दरअसल ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और माना यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों के बाद रूस कुछ नए बड़े कदम उठाएगा। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण ये है कि कीव के आसपास लगातार अभी बददस्तूर उसी तरीके के अटैक्स या फिर ना सिर्फ कीव बल्कि दूसरे इलाकों में, चाहे वो सुमी हो, खारकीव हो, खारकोव हो, इन इलाकों में अभी भी उसी तरीके के फायर फाइट चल रही है, एयर स्ट्राइक चल रही है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में कौन से घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी मिसाइल को कहां गिराना है, ये सब इसी कमांड सेंटर से तय किया जाता है। पुतिन के वॉर जोन से सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के युद्ध को करीबन 24 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जी हिंदुस्तान पहला ऐसा चैनल है जो आपको लेकर आया है रूस की राजधानी मॉस्को में। और मैं इस समय जहां खड़ा हूं इसको कहते हैं क्रेमलिन, यानी सरकार के वो ऑफिसेज, वो इलाका जहां पर सारी रणनीति तय की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन यहीं पर बैठकर अपने लगातार बड़े टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। मैं आज सुमित चौधरी, जी हिंदुस्तान की टीम लगातार पहली ऐसी टीम है भारत की, इंडियन मीडिया की, जो मॉस्को में है। इस समय मॉस्को में क्या हालात हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन की जंग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की जा रही है। यूक्रेन में भारी नुकसान के बाद रूस पूरी तरह से भड़का हुआ है। ऐसे में अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा और बढ़ गया है। क्या पुतिन का अगला कदम दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।